Is it clear now? अभी क्लियर आ रही है? हाँ जी, मुझे अपनी आवाज नहीं आ रही अभी तो। ओके, सो अब वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच। मतलब आप लोग मजाक नहीं करते, आई एम सॉरी। नाउ ओके, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है? देखो, इसीलिए जरूरी होता है क्वेश्चन पूछना है। आप लोग थक जाते हो ना कि मैम आवाज तो क्लियर है, बट यही प्रॉब्लम होती है। कई बार तो मैं आधा चीज बता देती हूँ, फिर समझ में आता है आवाज ही नहीं सही थी। ठीक है, बैकग्राउंड में मेरे भूत की, देखो मेरी जुड़वा बहन है, मिल रहे ना? चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बायो मॉलिक्यूल शुरू करें, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट करेंगे। और कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आप मिक्स बहुत करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ज्यादा मिक्स होती हैं। कॉन्सेप्ट को समझेंगे, टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर कर दो सेशन फटाफट से, लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। दिस इज योर एडुकेटर डॉक्टर साक्षी बरनवाल। मैं बायो मेंटोर हूँ आपकी, बायो एजुकेटर हूँ नीट के लिए। मैं बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीचेस दे चुकी हूँ कॉलेजेस में जाके, खुद के कॉलेज में भी करती थी। एंड बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है जो कि अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में अपना मेडिकल प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं। खुद भी नीट रैंक कर रही हूँ, इसीलिए तो डॉक्टर हूँ। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखी हैं, अपनी तैयारी के समय सीखी हैं, जो सबक मुझे मिला है, जो गलतियां मैंने की है, वो शायद मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ बचने से, राइट? कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो कनेक्ट मुझे लगता है अच्छा बनता है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, लेट्स क्रैक का है एक्चुअली, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, सारी इन्फो मिलती है। कोई भी आपको सेशन मिल रहा है यहीं पे अपडेट किया जाएगा, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मुझे ढूंढना, आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टेलीग्राम पे भी आप मुझे ढूंढेंगे, मैं मिल जाऊंगी। ओके, चलिए, सारे नोट्स आपको वहीं मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स मैं डालती रहती हूँ। तो आज हम बायो मॉलिक्यूल्स को पहले समझेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय बायो मॉलिक्यूल्स? हमारे अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, छोटे 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 छोटे, जो मिलके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी सेल को या किसी भी चीज को बना रहे हैं, जो हमें लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट? चलो समझते हैं क्या है बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यार ये लाल कलर ना मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे लाल कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं बेसिक कंस्टिट्यूएंट, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिससे हर एक चीज हमारे बॉडी में बनी हुई है, इन सब को बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। दैट प्लेज अ मेजर रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप कहोगे मैम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो सुना हुआ लग रहा है, तो सेल में भी सुना था बट वो लिविंग था, ये मतलब उस लिविंग को छोटे छोटे चीजें बनाती हैं, दैट इज योर बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होता है, इनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आप चीजें पढ़ते हैं वही सब मिलके आपके बायो मॉलिक्यूल्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। जैसा कि पता, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं और जो भी चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उनको एक बेस देने के लिए, उनको एक स्ट्रक्चर देने के लिए, उनको कॉम्बिनेशन देने के लिए वाटर की जरूरत हर जगह होती है। तो कितना परसेंटेज वाटर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जल्दी से बताओ। सुबोध बेटा मेरे नाम से ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है मुझे ढूंढना, बहुत ईजी है, बस मेरा नाम टाइप करिए एंड आई एम देयर। ठीक है, चलिए बताओ कितना परसेंट बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, कितने बच्चों को पता है? बेटा स्पैम मत करो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 70% के लगभग, यस 70% अप्रोक्स आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे। जो बच्चे कम पानी पीते हैं उनके कर कम पानी जाता है और उनका ब्रेन भी कम चलता है, इसलिए पानी आपको एडिक्वेट मात्रा में पीना है। 90% नहीं जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, 70% के लमसम होता है, प्लस माइनस हो सकता है आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं। इसलिए कहा जाता है पानी की कमी से बॉडी नहीं चल पाता, क्योंकि पानी कम हुआ ना तो बाकी ऑर्गन्स को कमी होने लगेगी। ठीक है, तो डेली 2 से 3 लीटर मिनिमम पीना है।
3 से 4 लीटर पी रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 3 बोतल पानी, 1 लीटर की 3 बोतल खत्म होनी चाहिए, राइट। इसका ये मतलब नहीं कि एक बार में गट 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 1 लीटर पी गए, फिर थोड़े देर बाद एक गट 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 2 लीटर पी गए, ऐसे नहीं पीना है। 2 ग्लास में भर के आराम से पानी पीजिए, ठीक है। हड़बड़ी रहती तो हम लोग बोतल से गट गट पी लेते हैं। हाँ जी, टर्म 2 एग्जाम तो आ गया आपका, बिल्कुल सही बात है। वेट ऑफ लिविंग टिश्यू, वेट ऑफ लिविंग टिश्यू कितना होता है आपके, जब एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन किसी भी चीज का निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, पहले उस लिविंग टिश्यू का वेट लिया जाता है कि कितने का है, मतलब कितना केजी है, कितना ग्राम है, जो भी है, लिवर का ले लिया, किसी भी चीज का लेना है, फ्रूट वेजिटेबल जो भी चीज का लेना है, उसका वेट ले लिया जाएगा। फिर उसको ग्राइंड किया जाएगा किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन आता है फॉर कैन एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन विच एसिड इज यूज्ड, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, याद रखना है। उसको मॉर्टर एंड पेसल में पीसा जाता है एकदम बढ़िया से, ठीक है, एक स्लरी बन जाता है, थिक स्लरी बन जाएगा, और उसको फिर फिल्टर आउट किया जाएगा, ठीक है। जब फिल्टर आउट करते हैं तो उसमें सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मॉलिक्यूल, सारी चीजें निकल आती है, और इस तरह आप केमिकल कॉम्पोजिशन एनालाइज कर सकते हैं किन किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या चीज यूज होती है आपकी केमिकल एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, उसी में मिक्स किया जाता है, उसी के साथ उसको मसला जाता है, पीसा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक, भाई अब ऑर्गेनिक एलिमेंट तो होता है साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसको अलग कैसे करें कि भाई इनऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें हैं, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, तो भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट उसका खत्म हो जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट सारा खत्म हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, पहले पूरा टिश्यू जो लिविंग टिश्यू का जिसका वेट लेना है, जिसका इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट को चेक करना है, उसको पहले ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने से क्या होगा, उसका पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और तब उसका वेट लेंगे, उसको हम कहते हैं ड्राई वेट। तो अब क्वेश्चन आया कि ड्राई वेट क्या होता है, तो ड्राई वेट कुछ नहीं होता, पूरा पानी उसका निकाल दो, ठीक है, उसको ड्राई कर दो, बिल्कुल पूरा पानी निकल गया, वही उसका जो बचेगा उसी को वेट करके ड्राई वेट लिया जाता है। अब इस ड्राई वेट की चीजों वाली को जला दिया जाएगा, ठीक है, लिटरली बर्न किया जाता है। बर्न करने पे क्या होता है, सारे ऑर्गेनिक चीजें जल जाती हैं और मिलता है आपको ऐश, ये ऐश्वर्या राय वाली ऐश नहीं है, ये राख वाली ऐश है, ठीक है। तो ऐश मिलता है बस आपको, सारा ऑर्गेनिक चीजें जल के आपके चला जाता है एटमोस्फियर में, ठीक है। अब ये जो ऐश बचा है इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे, जो जो चीजें होंगी, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, कैल्शियम, जो भी चीजें इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होंगी वो सारी चीजें ये सारे ऐश में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे आप इनऑर्गेनिक एलिमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसे इनऑर्गेनिक चेक कर लिया और केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करना, तो आपको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज करना। तो 2 सवाल बने हैं यहाँ पे, दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं। जब भी मैं सवाल कह रही हूँ उसको नोट डाउन करो। मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो चैप्टर ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन जब आपको रिवीजन करना होता है तो आपको चाहिए होता है कि वो ही डॉट पॉइंट चाहिए, पिन पॉइंट चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हैं, और पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है। हमेशा क्लास में पेन कॉपी लेके बैठो और ऐसे पढ़ना है कि इसके बाद सिर्फ शॉर्ट रिवीजन करना है, इसके बाद कोई पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो समझो बात को, ठीक है। चल, हु प्रपोज, ये देखो क्वेश्चन सेल से ही आ रहा है आपका, ये सेल चैप्टर जो अच्छे से याद होगा जो मैंने अभी पढ़ाया भी आपको। हु प्रपोज दैट न्यू सेल्स अराइज थ्रू सेल डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, रडल्फ विर्चाओ, जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रूव किया था सही बाद में ये स्टेटमेंट देके, यस, चल, बिल्कुल सही बात। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे में दिया हुआ है बट समझना इस बात को, कैसे क्लासिफाई किया गया है बायोमोलिक्यूल्स को, माइक्रोमोलिक्यूल में और मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो वर्ड ही छोटा होता है, मतलब होता है छोटा वाला, मैक्रो मतलब बड़ा वाला, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल जिनका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा, यानी कि 18 से 800 डाल्टन के बीच में होगा, तो ये काफी कम वेट के होंगे, ठीक है, जो कि आपके इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे एसिड के अंदर, वो होते हैं आपके माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि मिनरल, ठीक है, शुगर,
गैसेस, वाटर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है जो कि एसिड सॉल्युबल पूल में आपके सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। वहीं आता है आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा, एकदम हैवी हैवी वाले, ठीक है। इनका 10,000 डाल्टन से भी ऊपर का वेट होता है और ये आपको एसिड में इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि तैरते मिलते हैं। हम तो नहीं घुलेंगे क्योंकि हम तो हैवी हैं इससे, तो हम तो नहीं घुलेंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियाइक एसिड। मुझे बच्चा बताएगा कोई, क्योंकि हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ आज एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। एक एक्सेप्शन है मैक्रो मॉलिक्यूल में, इवन दो इट इज लेस मॉलिक्यूलर वेट का, इट इज काउंटेड इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कम एटॉमिक वेट होने के बावजूद, मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद मैक्रो मॉलिक्यूल में काउंट करते हैं, जल्दी बताओ, सोचो सोचो। कोई बात नहीं, आज ले लो, सर्च करो, ढूंढो, इसी बहाने पढ़ोगे। यस, सौम्यदीप ने आंसर दिया, व्रज ने आंसर दिया, व्रज थोड़ा सा कंफ्यूज है बट सही है, ठीक है। जाकिया, त्रिषा, वेरी गुड। इट इज लिपिड। लिपिड भाई साहब क्या है, इनका मॉलिकुलर वेट कम होता है, लेकिन क्यों डाला गया इनको, सोचो। अगर इसका मॉलिकुलर वेट कम था तो क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल में डाला गया। एक और सेंटेंस आपके मैक्रो मॉलिक्यूल में जुड़ता है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी कि ये इनसॉल्युबल रहते हैं आपके एसिड पूल के अंदर। तो लिपिड जो है ये भी लो मॉलिकुलर वेट होने के बावजूद इनसॉल्युबल रहता है, इसीलिए इनको मैक्रो मॉलिक्यूल में काउंट किया जाता है। इट इज हाइड्रोफोबिक। वेरी गुड जाकिया, वेरी गुड सौम्यदीप, ठीक है। मजा आ जाता है यार आप लोग के साथ पढ़ के, कुछ बच्चे इतने प्यारे हैं ना, मैं नहीं कह सकती क्योंकि एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगी, बट बहुत प्यारे बच्चे हैं, कोई कोई चीज इतना अच्छे से आपको याद है। तो हम बायो मॉलिक्यूल्स को दो चीज में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड, ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर वेट, तीन चार ऑप्शन दे देंगे, अबव 800 डाल्टन। देखो यहाँ 800 डाल्टन दिया है, तो आपको लगेगा हाँ माइक्रो मॉलिक्यूल तो 800 डाल्टन तक ही होता है, तो उसके ऊपर मैक्रो मॉलिक्यूल ही काउंट करेंगे। नहीं, इट इज ऑलवेज अबव 10,000 डाल्टन। तो 800 के ऊपर भी आपके माइक्रो मॉलिक्यूल में ही बहुत हद तक काउंट होते हैं, ठीक है। बहुत हैवी मॉलिक्यूल मैक्रो में जाएंगे, ठीक है। चलो, सब प्यारे हैं भाई, मैं कहती हूँ मैं सबका नाम नहीं ले पा रही, युवती बहुत प्यारे बच्चे हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इससे भी क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर दी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई दो बार ही आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर्स में, मैंने देखा है रिसेंटली, ठीक है। अमीनो एसिड, शुगर, क्लोरोफिल, हेम्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो, जब प्राइमरी मेटाबोलाइट बोल रहा है तो ये ऐसा चीज होगा जो कि जीने के लिए जरूरी है, कोई भी आपके प्रोसेस जीने के लिए चाहिए उसको करने के लिए जरूरी है, ये नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, राइट। तो रिक्वायर्ड फॉर बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन्स एंड लिपिड। देखो बेटा, एक होता है पढ़ना, समझो बात को, एक होता है हम बुक उठाते हैं पढ़ते हैं, एक होता है जो वर्ड्स होते हैं उसमें कैच करना कि ये वर्ड अगर बना है प्राइमरी मेटाबोलाइट तो इसका मतलब क्या, क्यों इसको ये नाम दिया गया, क्योंकि इसमें मीनिंग छुपी हुई है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कर रहा है, प्राइमरी सोर्स है, मतलब प्राइमरी नीड है उसकी, यानी कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करने में जो प्राइमरी एलिमेंट यूज होते हैं आपके, वो सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट में आते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो अब मेटाबोलाइट का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एंजाइम्स में कौन प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, प्रोटीएज, लाइपेज, परऑक्सीडेज, जो कि प्राइमरी आपके किसी भी तरह के एंजाइमेटिक एक्शन दिखाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है अमीनो एसिड। सबसे ज्यादा अमीनो एसिड कौन से, प्रोलीन, ल्यूसीन यूज होता है आपका, इसके अलावा और भी, ऐसा नहीं दो ही हैं। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड बहुत ही ज्यादा बेसिक आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। एंड विटामिन में विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी, ये आते हैं आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। क्लियर है, क्लियर है, इनका नाम ध्यान रखना है। तो अगर हम एंजाइम की बात करें तो लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीन से याद करो प्रोटीएजेस, लाइपेज से याद करो लाइपेजेस, ठीक है। इसके अलावा परऑक्सीडेज है, किसी भी कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हानिकारक है उसको परऑक्साइड को रिएक्ट करके, परऑक्साइड जैसा कोई एलिमेंट आया
उससे रिएक्ट करके परोक्सीडेज आपका वाटर का यूज करता है और उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एंजाइम क्या हो गया, प्रोटीएज, लाइपेज एंड परोक्सीडेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका अमीनो एसिड में आता है आपका प्रोलीन, प्रोलीन और ल्यूसिन, दो आपके अमीनो एसिड होते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड विटामिन सी में एबीसी, एबीसी तो बहुत इजीली याद हो जाता है। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन से होंगे जो सबसे पहले यूज होंगे। ठीक, मैनी प्लांट मैनी फंगी, यार ये कहां से आ गया है टॉपिक का हेडिंग देखो ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज एक मिनट, ये लग रहा है ना एडिट करने में ये पुरानी पीपीटी यूज हो गई है, कोई नहीं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो भाई ये प्राइमरी वाले से अलग होगा, यानी कि इसका सेकेंडरी यूज होगा या फिर कहीं सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा होगा, एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा होगा, किसी चीज से बन के निकल रहा होगा, एज सच बहुत ज्यादा आपके प्राइमरी बेसिक यूज का नहीं होता। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपके ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपने से। तो बहुत सारे प्लांट हैं, फंगी हैं, माइक्रोब्स हैं जो बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करते हैं खुद से, उन्हीं को कहते हैं हम क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उन्हीं को कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्लांट भी प्रोडक्शन करता, फंगी भी, माइक्रोब्स भी, बहुत सारे कुछ ना किसी तरह का ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, पिगमेंट की बात करें तो कैरेटिनॉइड पिगमेंट, एंथोसाइनेंस, ये सारे पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एल्कलॉइड की बात करें, यार ये पेन खो जा रही है मेरी, एल्कलॉइड की बात करें तो मॉर्फिन और कोडीन, ठीक है, इनको एज अ मतलब मेडिकल आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत ही कैसे ऑपरेटिव या कि आपके डॉक्टर के सर्विलेंस के अंदर ही ये सारी चीजें दी जाती हैं। कोडीन तो फिर भी कुछ मात्रा में किसी किसी दवाई में मिलती है, बट मॉर्फिन डॉक्टर के सर्विलेंस में दी जाती है, ऐसे नॉर्मली आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो फिर नशा करेगी, राइट। तो एल्कलॉइड्स होते हैं, इसके अलावा एसेंशियल ऑयल है जैसे लेमन ग्रास ऑयल है, रोज ऑयल है। टॉक्सिन्स होती है जैसे एब्रिसिन, राइसिन, राइसिन से इंसान मर सकता है, थोड़ा सा भी राइसिन गया ना इंसान के अंदर एग्जैक्ट आपकी दस, राइसिन का बहुत ही आराम से उपयोग करना होता है। लेक्टिन्स, ठीक है, ड्रग्स जैसे मेन ब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर, गम, सेल्यूलोज, ये प्लांट से भी निकलता है, आपको पता है प्लांट से ये सारी चीजें निकलती हैं, राइट। तो ये क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो कि प्लांट के या फंगी के या माइक्रोब के प्रोडक्ट होते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। क्लियर है, अभी इससे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, चलो देखते हैं। आ गया क्वेश्चन भाई, आ गया क्वेश्चन, देखिए कौन बताएगा। इनमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट सारे दिए हुए हैं, कौन सा इनमें से रॉन्गली मैच्ड है, कौन सा इनमें रॉन्गली मैच्ड है, जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है। सामर्थ ये आंसर देखे इतना कंफ्यूज क्यों रहते हो बेटा, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस से देंगे, जो आता है जैसा आता है वैसे कॉन्फिडेंस से दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे, डी होगा। एल्कलॉइड्स में आपके मॉर्फिन होता है, कोडिन होता है, ठीक है, ये आपके एल्कलॉइड्स हैं। और लेमन ग्रास ऑयल क्या है, एसेंशियल ऑयल में आता है, किसमें आता है, एसेंशियल ऑयल्स में आता है। ठीक है, ये है, बाकी पिगमेंट कैरेटिनॉइड ही होता है, एंथोसाइनिन ही होता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस रबर गम्स ही होता है, और टॉक्सिन में एब्रिसिन राइसिन यही होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट, यही इनकरेक्टली मैच्ड है। क्लियर है, चलो एफ, वेरी गुड, हाँ शिवम एफ ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, सबसे पहला आपके क्या है, ये माइक्रोमोलिक्यूल की मैक्रो, जल्दी बताओ, माइक्रोमोलिक्यूल या मैक्रो, जल्दी 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 जल्दी। ग्लूकोज किसमें आएगा यश, बताइए, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, ग्लूकोज क्या है, और अभी आने वाला है ग्लूकोज, वेट करो थोड़ा सा संयम रखिए, अभी ग्लूकोज आ रहा है, मैं आई 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 करके आएगा अभी। वेरी गुड, इट इज मैक्रोमोलिक्यूल, तो इसका वेट कैसा होगा,
मोर देन 8,000 डाल्टन्स, मोर देन 10,000 डाल्टन्स, मोर देन 10,000 डाल्टन्स, क्लियर है? चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट की, चलो पहले ये समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तीन चीज का मिश्रण होते हैं मेनली, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ज्यादातर आप जब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ये भर भर के कार्बोहाइड्रेट आपको मिलते हैं कि नहीं, ठीक है। एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है, राइट। तो ये आपका केमिस्ट्री का बहुत ही वाइड स्कोप यहां से खुलता है, ठीक। वॉइस इज लो, मेरी वॉइस धीमे आ रही है, सच बताओ, ऐसे मत करो यार प्लीज, क्लास में डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं यार ऐसे नहीं आ रही है, एकदम दबंग, एकदम चकाचक दबंग आवाज निकलती है मेरी, ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरी आवाज धीमी हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही तो मैं भी सोची, मैं तो वैसे ही इतना तेज बोलती हूँ। चलो तो ये तीन चीजों के कॉम्पोनेंट होते हैं जो कि रेशियो में, वॉटर इसमें 2:1 होता है, 2:1 वाटर रेशियो किसमें होता है, ज्यादातर वाटर के अंदर, अरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 रेशियो वाटर के अंदर होता है देखा जाए तो। तो ऐसे ही रेशियोज में आपका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन के साथ वाटर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 2:1 में हमेशा रहेगा, क्लियर है। इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, उल्टा बना दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस बना दिया और कुछ नहीं। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है उसका फॉर्मूला पूछा गया है CXH2OY। अब यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रही हूँ, कई बार आपको पहला ऑप्शन अगर ये दिया तो दूसरा ऑप्शन जानो क्या देगा, CXH2OX, आप ध्यान नहीं दोगे, नीचे X नहीं, XX दोनों जगह लिखा है, तीसरा ऑप्शन दे देगा CYH2OY, आपको कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शन बनाए जाते हैं, इनका वैल्यू और इसका वैल्यू अलग हो सकता है, तो एक्स और वाई ही लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाएगा, देखो आपको क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इसलिए नहीं दिया जाता है हमेशा कि आप कितना पढ़ें, ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप कितना दिमाग लगा पाते हैं, तो वो जरूरी है आपको, ठीक है। केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, आगे हमारा चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, किसको किसको ये चैप्टर केमिस्ट्री में पसंद है, किसको किसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है बताओ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे फिजिकली अच्छी लगती थी, मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती थी, जल्दी बताओ। तो केमिस्ट्री का पूरा पूरा ये चैप्टर है, ठीक है, तो इसका जिस्ट हम ले रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया लेंगे, जो बायो में क्वेश्चन आते हैं इससे हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये एक चार्ट दे दिया सिंपल सा, बस इस चार्ट को हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजें जो हमें समझनी है, तो पहले हम चार्ट देखेंगे, फिर मैं आपको लिख के समझाऊंगी हर चीज कि क्या किसमें क्या चीज है, क्या होता है, कौन सी चीज। तो पहले बस चार्ट देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं मेनली, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड तो समझ में आ गया मैम, एक ही होगा इसमें, इकलौता भाई। ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में मल्टीपल होंगे, ये भी समझ में आ गया मैम, लेकिन ये ओलिगोसेक्राइड क्या है, कोई बताएगा मुझे, किसी को पता है कितने कार्बन होने, अरे कितने सैकराइड इसमें जुड़ेंगे ओलिगोसेक्राइड में, मैक्सिमम कितने आपके सैकराइड जुड़ सकते हैं ओलिगोसेक्राइड में। वेरी गुड निवास, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, मोर देन 13 नहीं जाता बेटा, मोर देन 13 बहुत ज्यादा हो गया, आप टेंशन मत लो। क्या कौन बोल रहा है जूम करने को, एक मिनट विनीता, दो मिनट दो, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। 2 to 10 तक ले सकते हैं, यस 2 to 10 ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कलर ही चेंज कर दो यार, दिख नहीं रहा इसमें, 2 to 10 तक ले सकते हैं, क्लियर है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स हम ले सकते हैं ओलिगोसेक्राइड के अंदर, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड के अंदर क्या क्या बता रहा है, ये एल्डोज है, कीटोज है, ठीक है, एल्डोज है, एल्डोज में ग्लूकोज है, कीटोज में फ्रक्टोज है। अब हम लेंगे पन्ना जिसमें हमें समझना है कि हम ढंग से समझेंगे, ठीक है। चलो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम मोनोसेक्राइड समझेंगे, क्या समझेंगे, मोनोसेक्राइड्स,
क्या होगा इसमें, एक ही आपका ठीक है, एक ही सिंगल चेन प्रेजेंट रहेगा, सबसे सिंपल शुगर आते हैं इसमें, क्या आते हैं, सिंपलेस्ट शुगर्स। सिंपलेस्ट शुगर की अगर हम बात करें तो क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है, सबसे सिंपल शुगर, चलो वो छोड़ दो वो पन्ना, मैं पढ़ा रही हूं ना ऐसे, चलो ऐसे देखो, सबसे सिंपल शुगर में क्या क्या नाम आपको याद है जल्दी से बताओ। सबसे सिंपल शुगर में तीन ही होते हैं, सबसे सिंपल शुगर इसका नाम मुंह पे आता है तुरंत ही। अरे भाई आपके आपके अंदर जरूरत पड़ती है उनकी, यस कोई बोला तो, कोई ग्लूकोज जो सबसे ज्यादा हम सुनते हैं, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ये सबसे कॉमनली हम सुनते हैं, और भी है ऐसा नहीं है इसके अलावा नहीं है, ये सबसे कॉमनली हम सुनते हैं ठीक है। तो मोनोसेक्राइड आपके सिंपलेस्ट शुगर होते हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता ठीक है, ये शुगर यही होते सबसे छोटे ठीक। अब इसमें एल्डोज भी, एल्डोलेजेस भी हो सकते हैं ठीक है, कीटोजेस भी हो सकते हैं ठीक है। एल्डोलेज में आपका ग्लूकोज आ जाएगा और कीटोज में आपके फ्रक्टोज आ जाएंगे ठीक है। ये आपका ऐसे एग्जाम्पल है, अगर क्वेश्चन आया तो आप ये लिख सकते हैं, आपके ट्वेल्थ के एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं ठीक है। इसके अलावा मोनोसेक्राइड आपके फर्दर डिवाइडेड नंबर ऑफ कार्बन आपके जितने प्रेजेंट हैं एक चेन के अंदर, अगर तीन कार्बन का है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रायोज, क्या बोलेंगे उसको, ट्रायोज ठीक है। अगर चार कार्बन है तो क्या बोलेंगे, टेट्रोज ठीक है, टेट्रोज बोलेंगे, क्लियर है। अगर पांच कार्बन है तो पेंटोज ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, ये आपके हैं हेक्सोज, यही लिख दे रही हूं मैं ठीक है। और एक सेवन कार्बन का भी होता है अगर जानना है तो उसको हेप्टेज कहते हैं, हेप्टोज कहते हैं, सॉरी हेप्टोज कहते हैं ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ठीक। अब हम नाम देखते हैं सबके, किसमें क्या नाम हो सकता है ठीक है। ट्रायोज की बात कर रहे हैं तो अगर रेस्पिरेशन चैप्टर आपको थोड़ा भी ध्यान है, उसमें आपको पूरा साइकिल समझाया गया है, उसमें एक एलिमेंट ऐसा आता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जो कि अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्टेबल होता है, वो स्ट्रक्चर का एक नाम मैं बता रही हूँ, अगर याद है दूसरा स्ट्रक्चर तो बताना, ग्लिसरल्डिहाइड, किसी को याद आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, ग्लिसरल्डिहाइड। भाई ऑक्टोज वॉक्टोज नहीं पूछा जाएगा, इसके आगे भी होता है मुझे भी पता है, लेकिन इसके आगे नहीं पूछा जाएगा ठीक है, इतना नहीं आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, जितना पूछा जाएगा उतना पढ़ेंगे, याद है ग्लिसरल्डिहाइड। ये एक और कंपोनेंट में इंटरचेंज हो जाता है, क्या नाम है इस कंपोनेंट का, किसी को याद है थोड़ा सा, जल्दी याद करो, ये अल्कोहल फॉर्म रहता है ठीक है, दूसरा होता है आपका कीटोस फॉर्म, उसका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद करो, ऐसे ही सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, याद आया, याद आया कुछ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, वेरी गुड जाकिया, क्लैपिंग कर रही हूं मैं जाकिया के लिए, वेरी गुड ठीक है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आपका ट्रायोज में आते हैं एल्डिहाइड, और ये होता है कीटोन फॉर्म ठीक है। एल्डिहाइड, यार क्या लिख दिया मैंने, एल्डिहाइड फॉर्म है इसका ठीक है। अब आएगा टेट्रोज, टेट्रोज वैसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, ज्यादा फेमस भी नहीं है, पर इसका एक फॉर्म आप लिख सकते हैं एरिथ्रोज ठीक है, एरिथ्रोज आपके टेट्रोज में आते हैं। पेंटोज बहुत इजी है, याद करो पेंटोज शुगर कहाँ पढ़ा हुआ है हमने, पेंटोज शुगर बहुत बार नाम आता है, ये इससे अटैच होता है पेंटोज शुगर, इधर फॉस्फेट ग्रुप, इधर अमीनो आपके नाइट्रोजनस बेस, याद करो एक स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने बहुत बार। हाय हेलो हेलो एवरीवन, हेलो जो लोग नए आए हैं, वेरी गुड सिमांशी, इट इज राइबोज, यस, और डीऑक्सीराइबोज, एक डीएनए का है एक आरएनए का शुगर है, ये आरएनए का शुगर है, ये डीएनए का शुगर है, क्लियर है। तो ये आपके हुए मोनोसेकेराइड्स ठीक है। अगर हम हेक्सोज की बात करें तो ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज तीनों ही हेक्सोज में आते हैं,
सिक्स कार्बन के आपके स्ट्रक्चर है, ये शुगर है, सिक्स कार्बन इनमें होता है। और अगर हेप्टेज की बात करें, हेप्टोज की बात करें, तो वैसे तो ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता दूं, सीडो हेप्टोज होता है एक सेवन कार्बन का मोनोसेक्राइड। इससे ज्यादा इस मोनोसेक्राइड से कोई पूछ नहीं सकता, इसमें भी बहुत रेयर चांसेस इतना घुस के कोई पूछे, बट स्टिल एक आइडिया हम ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सब पता चल गया, बढ़िया एकदम। नोट डाउन किए हो कि नहीं ये बताओ मुझे, नहीं किए ना नोट डाउन, नहीं किए ना, सही बताओ, सही बताओ, नहीं किए ना, पिटाई पड़ेगी पिटाई, जल्दी से नोट करो, फटाक से नोट करो, फिर बाद में कहते मैम ये नहीं रहा याद रहा, वो नहीं याद रहा, जल्दी से डन। ये पन्ना गया तो वापस नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये पेज में वापस नहीं ला पाऊंगी, जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड खत्म, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड भी हो सकते हैं, ट्राइसेक्राइड भी हो सकते हैं, टेट्रासेक्राइड, अब इसके आगे भी होता है, मुझे मून बोलना मैम अब पेंटासेक्राइड बनाइए, यहीं तक पूछे जाएंगे, ये भी नहीं बहुत पूछे जाते हैं, डाइसेक्राइड सबसे फेमस होते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में कौन आता है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, क्या है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये होते हैं आपके डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या हुआ, दो आपके मोनोसेक्राइड मिल के डाइसेक्राइड बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं अभी, ओलिगोसेक्राइड की, ओलिगोसेक्राइड की, उसमें हम बात करने वाले हैं डाइसेक्राइड की। डाइसेक्राइड कैसे बन रहे हैं, दो आपके मोनोसेक्राइड ज्वाइन कर रहे हैं और डाइसेक्राइड बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल हमने क्या क्या लिया, क्या क्या नाम लिया, माल्टोज लिया, ठीक है, और क्या है, और क्या है, लैक्टोज है, और क्या है, जल्दी बताओ, तीसरा क्या था, सुक्रोज है, तीसरा सुक्रोज है, क्लियर है, ये आपके डाइसेक्राइड हुआ। अब बताओ माल्टोज किस चीज से बना हुआ है, किस चीज से बना है माल्टोज, दो मॉलिक्यूल होगा, किस चीज का, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है, किससे बना है, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, ये होगा आपका माल्टोज। अब आएगा हमारा लैक्टोज, लैक्टोज किससे बना हुआ है, सारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज की चेन से बनता है। ठीक है, दोनों, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, तीसरा आपका सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बन रहा है। ठीक है, समझ में आया, ये आपके क्या हो गए, डाइसेक्राइड्स। क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, एक था ट्राइसेक्राइड, ये नहीं पूछा जाएगा, मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है ये नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा मान के रखो, लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल है रैफिनोज। ठीक है, जो कि तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को ज्वाइन करने के लिए बीच में ग्लूकोज खड़ा रहता है, तो हमेशा ग्लूकोज बीच में रहेगा और ये दोनों साइड में रहेंगे, तो ऐसे आपके ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। यहाँ पे कहाँ है, दो मोनोसेक्राइड होगा और यहाँ पे तीन मोनोसेक्राइड जुड़े होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओलिगोसेक्राइड क्लियर, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर, फटाफट बताइए। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, कुछ तो बोलिए, यस, ओके ओके ओके, तो ये हो गया हमारे क्या, ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर, आप किसी को नहीं हो रहा ना मैम, नहीं दिख रहा है, वाइट कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब हम पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे। अब पॉलीसेक्राइड में दो चीजें हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटरोपॉलीसेक्राइड, इतना ही जानो, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, डेप्थ में पढ़ेंगे। होमोपॉलीसेक्राइड वो पॉलीसेक्राइड होंगे जो कि मल्टीपल सेक्राइड चेन से बनेंगे, बट वो जो मोनोसेक्राइड उसमें लगे होंगे वो सेम होंगे, यानी कि एक ही तरह का मोनोसेक्राइड बहुत सारे बार आपके ऐड हुआ है, बहुत सारे बार ज्वाइन हुआ है, मोर देन 10 टाइम्स। ठीक है, तो एक ही तरह का मोनोसेक्राइड जो कई बार जुड़ के बना है, लेकिन वही हेटरोपॉलीसेक्राइड में
मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड होते हैं, या तो वो सीधे जुड़ेंगे या तो वो चेन के फॉर्म में जुड़ेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा ही जुड़े या चेन के फॉर्म में जुड़े, दोनों ही तरह से ये जुड़ सकते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड में एक ही तरह का रहता है, हेट्रो में एक से ज्यादा तरह के मोनोसेक्राइड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमोसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे जो आने वाले। चलो उससे पहले क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन कर लो, मैं भी भूल जाती हूँ, बीच में क्वेश्चन आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड, इनमें कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए, फटाफट से। ए आ रहा है, बिल्कुल सही। ए क्या है बेटा, ए क्या है, वॉट इज ए, ए इज ऑलिगोसेक्राइड। ठीक है, उसमें भी डायसेक्राइड है। कैसा है ये, डायसेक्राइड। ठीक है, चलो बाकी सारे आपके पॉलीसेक्राइड के अंदर आते हैं। पॉलीसेक्राइड्स की बात करें, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लंबी सी चेन है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं। या तो ये स्ट्रेट चेन बनाएगा या तो ये ब्रांच चेन बनाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है सीधा ही चले, ऐसा जरूरी नहीं है ब्रांच ही चले, इसका जैसा मन भाई वैसे ज्वाइन करके अपने आप को बनाता है। बट बहुत सारे मोनोसेक्राइड होते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड। पहला हम होमोपॉलीसेक्राइड देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम सेल्युलोज के बारे में पढ़ेंगे। सेल्युलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ, सब सेल्युलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, एक जगह बताओ जल्दी से, जहां पे आपको याद हो, फटाफट से। सेल्युलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, मेरी क्लास 11:30 बजे रोज होती है, एक भी दिन मेरी क्लास डीले तो मैं नहीं कहूंगी, अगर स्ट्रीम की अटक जाती है तो हो जाती है, वो भी 5 मिनट 10 मिनट, बाकी मैं डेली 11:30 लेती हूँ, शिद्दत से लेती हूँ और पूरे ऑनेस्टी से आपकी क्लास लेती हूँ मैं। सेल वॉल, वेरी गुड, सेल वॉल के अंदर पढ़ा है राइट। सेल्युलोज आपके सबसे अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड ऑन अर्थ। ध्यान सुना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताया मैंने, मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेक्राइड है ये, सेक्राइड कह लो, ऑन अर्थ, यस। ठीक है, चलिए अब सेल्युलोज के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज से बना है, ग्लूकोज से बना। अब पूरे पॉलीसेक्राइड्स के अंदर एक चीज याद रखना है, ठीक है, जब भी पॉलीसेक्राइड में लिंकेज की बात आ रही है, कैसे आपके एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक्ड है, तो बीटा 1,4 लिंकेज याद रखना। एक और तरह का लिंकेज आएगा जिसमें बीटा 1,6 लिंकेज रहेगा। ठीक है, दो ही तरह का लिंकेज है, इसलिए लिंकेज बार बार रटना मत। 1,4 लिंकेज और एक 1,6 लिंकेज है। मैक्सिमम में जब पहला तरह का लिंकेज की बात हो रही है तो वो 1,4 टाइप ऑफ लिंकेज होता है। और 1,4 लिंकेज का मतलब क्या है मैम, 1,4 लिंकेज का मतलब है एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन एक दूसरे से लिंक है, ताकि वो पॉलीसेक्राइड की चेन बना पाए। क्लियर है, तो आपका ये पॉलीमर किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, किसका पॉलीमर है, सेल्युलोज, ग्लूकोज का है लेकिन बीटा डी टाइप है। क्यों याद करना है बीटा डी, क्योंकि अगर बीटा से ये अल्फा कर देंगे तो आपका पॉलीसेक्राइड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉलीसेक्राइड भी चेंज हो जाएगा। तो बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपकी जुड़ती है, कितनी यूनिट, 6,000 से 10,000 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आपके जुड़ के ये सेल्युलोज को बनाने। और क्या लिंकेज है, 1,4 बीटा 1,4 लिंकेज आता है। ध्यान है, सेल्युलोज लिखो, आगे लिखो बीटा डी ग्लूकोज, कॉमा लगा के बीटा 1,4 लिंकेज, ये लिख लोगे आपको याद रहेगा, कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना। और ठीक है, चलिए मेन कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल वुड, सेल्युलोज, इसमें वुड के अंदर सेल्युलोज 50% होता है और कॉटन के अंदर 90% सेल्युलोज होता है। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के काम आता है, जिसको हम रेयॉन कहते हैं।
कहते हैं ना रेयॉन का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, एकदम सॉफ्ट और एकदम लाइट वेट, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम फ्लोई फ्लोई हवादार वैसा टाइप, ठीक है। तो रेयॉन फाइबर जो है, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको कहा जाता है, वो आपका सेलुलोज से ही बनता है। इसके अलावा पेपर का मैन्युफैक्चरिंग भी सेलुलोज की मदद से ही होता है। तो ये सारे आपके सेलुलोज के आपके डिफरेंट डिफरेंट यूसेज हैं। अब बताओ सेलुलोज इज मेड अप ऑफ, इतना ही सेलुलोज में याद रखना था मेनली आपको, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना लिख रहे हो डिलीट कर रहे हो, कर का रहे हो तुम लोग, चलो बताओ किस चीज से बनी है, ग्लूकोज से, और कौन से टाइप, बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर है, बीटा डी ग्लूकोज, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे, स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है जल्दी बताओ, वेयर डू वी फाइंड स्टार्च, ये तो आपको बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह, एक दो एग्जाम्पल तो बनता है यार, कहाँ पे स्टार्च मिलता है एक तो बता दो, वन ओनली वन आई एम आस्किंग, कहाँ पे स्टार्च मिलता है, प्लांट में बता रही शिवांशी, बिल्कुल सही बात है, उनका स्टोरेज कंपोनेंट है, स्टोर करते हैं वो फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कहाँ मिलता है, पोटैटो में, वेरी गुड, चावल में, वेरी गुड, ठीक है, इन सब जगह क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। और अगर याद होगा आपने एक्सपेरिमेंट किया है, प्रैक्टिकल्स किए हैं जिसमें स्टार्च टेस्ट किया है, तो उसके लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है जल्दी बताओ, स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं जल्दी बताइए, ये सबको याद है, ये आने वाला है एग्जाम में, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, आयोडीन सॉल्यूशन, यस। और जब आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च से रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, चलो इतना बता दो यार, मतलब समझो किस लेवल की पढ़ाई तुम कर लियो, बढ़िया एकदम तैयारी। जब आयोडीन और स्टार्च एक दूसरे के साथ, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च पे डालते तो कौन सा कलर निकलता है जल्दी बताओ, ब्लू ब्लैक, यस, वेरी गुड, ताली बजाओ सब लोग अपने लिए एक बार, वेरी गुड। चलो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड जो होता है प्लांट के अंदर वो स्टार्च ही होता है, और स्टार्च बनता है दो कॉम्पोनेंट से, ठीक है, चलो अभी पहले बाद में बात करते हैं। पॉलीमर किसका, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, बट पॉलीमर का टाइप चेंज हो गया, सेल्यूलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज था, वही स्टार्च आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। अब ये बीटा और अल्फा में अंतर क्या है, आप कहेंगे मैम ये तो केमिस्ट्री में आएगा, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा, अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस होता है, ये जो OH ग्रुप होता है आपके ग्लूकोज के अंदर, इसका कनेक्शन जो CH2OH से होगा, ये अगर इसके साइड है तो आपके एक साइड है तो अल्फा कहलाएगा, अगर ऑपोजिट साइड है तो बीटा कहलाएगा, ऐसे आपका रिलेशन होता है। तो OH ग्रुप का रिलेशन है, एक साइड अल्फा कहलाता है, दूसरे साइड बीटा कहलाता है, ठीक है, तो इतना ही जान लो, जो बायो में आपको समझना, फिजिक्स में अगर पूरा तरीके से समझना तो फिजिक्स कहें, केमिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से पूछा जाता है। स्टार्च जो है पोटैटो में प्रेजेंट होता है, जिसमें अमाइलोज होता है और अमाइलोपेक्टिन होता है। देखो स्टार्च के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये सारे ग्लूकोज से ही बने हैं बट दो कंपोनेंट में टूटे हैं। क्यों दो कंपोनेंट है, चलो समझते हैं, दो तरह की चेन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। और ये कैसे ये पता चलता है कि इसमें अमाइलोज है या अमाइलोपेक्टिन, जब इस पे एंजाइम एक्ट करता है अमाइलेज, तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में, ठीक है। तो बन रहा है स्टार्च, अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, तो वो आपको अल्फा डी ग्लूकोज ही बताना है, लेकिन स्टार्च कंटेन्स विच टू चेन्स, तब आपको बताना है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, क्लियर है, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन का पुटअप करने का तरीका अलग है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकता है जल्दी बताओ फटाफट से, क्वेश्चन करने में देरी नहीं, जल्दी से आंसर करना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च अकर्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से होता है,
वेरी गुड. अमाइलेज ये क्या एक तरह का एंजाइम है. दिस इज अ एंजाइम. क्लियर है. चलो ये एंजाइम आएगा डाइजेशन में आएगा. भूलना नहीं है तब मैं पूछूंगी वहां पे. ठीक है. चलो होमोपॉलीसेक्राइड होते हैं आपके अमाइलोज. ठीक है. और अमाइलोपेक्टिन दोनों दोनों ही आपके बीटा डी ग्लूकोज से अरे सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहे हैं. लेकिन दोनों का लिंकेज अलग है. अमाइलोज जो है वो बहुत सिंपल सा है. साधारण सा सिंपल लाइफ जीता है. यानी कि अनब्रांच चेन है. यानी सिंगल चेन है इसकी अमाइलोज की 1-4 लिंकेज के साथ. ठीक है. हर एक मॉलिक्यूल हर एक मोनोसेक्राइड 1-4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है और बहुत ही सिंपल सी चेन बना है. लेकिन अमाइलोपेक्टिन करा भाई मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हूँ. तो ये क्या करता है ब्रांचिंग शो करता है. ब्रांचिंग. ठीक है. एक जो इसकी चेन चलती है वो आपकी 1-4 लिंकेज ही शो करती है और उसके साथ जो ब्रांच निकलती है वो 1-6 लिंकेज शो करती है. समझ रहे हो. तो ये आपके अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की चेन में डिफरेंस है. अगर एक चेन ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे 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 चल रही है. समझ रहे हो. और इन दोनों के जुड़ने से बनता है क्या आपका स्टार्च. इन दोनों के जुड़ने से बनता है स्टार्च. क्लियर है. अब समझना है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है. दोनों एक ही कॉम्पोनेंट से बन रहा है. ग्लूकोज ही भरा है लेकिन ग्लूकोज के अटैच होने का तरीका अलग है. अमाइलोज की चेन लंबी होती है. 250 से 300 आपकी ग्लूकोज यूनिट रहती है एक बार में. अमाइलोपेक्टिन के अंदर 30 ग्लूकोज यूनिट ही रहता है. बहुत कम रहता है. 10% ही आपके ब्रांचिंग देखी जाती है उसकी. ठीक है. ओके क्लियर है. बढ़िया. अब आपको स्टार्च याद हो गया. अगर समझ में आ रहा है बेटा तो बहुत अच्छी बात है. बट इस समझ में आने का मैं रिजल्ट आपके एग्जाम के बाद पूछूंगी. ठीक है. सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होता है. कितना आप रिवाइज कर रहे हैं कितना आप वहाँ पे रिटेन कर पा रहे हैं वो मेरा और आप दोनों लोग का हम दोनों का एक्चुअली उस समय एक्चुअली एग्जाम सिर्फ आपका नहीं होता आपके टीचर का भी होता है आपके साथ. ये मेरे लिए ज़रूरी है. हर एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है ना तो मुझे भी उतना ही डर लगता है कि भाई फोड़ के आना है. मेरा बच्चा मेरे से पढ़ के गया है तो अगर वहाँ पे वो फेल होता है या उसको भूल जाता है यानी कि मैंने पढ़ाने में कमी कर दी थी तो ये दिस इज़ नॉट ईजी टू हैंडल. ठीक है. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस देख लो फटाफट से. अमाइलोज सिंपल सा है साधारण सा आम जिंदगी. ये क्या है ये है मेंटोस जिंदगी. ठीक है. तो ये अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड होता है और ये अनब्रांच्ड होगा. ठीक है. बहुत अच्छी बात है निवास. 345 आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है. अब आप समझ रहे हो आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पे अपने एक्ट करना है. लेकिन एक एग्जाम पेपर से नहीं होता बेटा. कई टेस्ट दीजिए फिर अपना मार्क्स देखो तब आपको एवरेज पता चलेगा. हो सकता है एक पेपर अच्छा हो जाए एक पेपर थोड़ा सा डगमगा जाए. तो कई पेपर जब दोगे उसका एवरेज देखो कितना निकाल पा रहे हो आप कितना नंबर आ रहा है आपका तब आपको अपने मार्क्स समझ में आएंगे. ठीक है. चलो सॉल्युबल होता है वाटर में. इनसॉल्युबल है ब्रांचिंग है इसलिए इनसॉल्युबल होता है. इसमें केवल एक बॉन्ड होता है 1-4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड होते हैं 1-6 और 1-4. क्लियर है. ये ब्लू कलर देता है जब आयोडीन सॉल्यूशन में मिक्स होता है. ये येलो या ऑरेंज कलर देता है. यानी कि जो आपका ब्लू ब्लैक कलर दे रहा है वो जनरली अमाइलोज का कलर है स्टार्च मिक्स का है अमाइलोज का. अमाइलोपेक्टिन येलो या ऑरेंज कलर देता है. क्लियर है. मॉलिकुलर वेट आपका इसका हाई होगा. कितना होगा 10,000 से 50,000 और इसका उससे भी ज्यादा होगा क्योंकि हाई ब्रांचिंग प्रेजेंट है. तो 50,000 से 1,000,000 इसका मॉलिकुलर वेट होता है. वेट नहीं पूछा जाएगा. ये चार पॉइंट ऊपर के आपको ध्यान रखने. ठीक है. चलो आयोडीन टेस्ट देखो दिखा दिया यहाँ पे. अमाइलोज स्टार्च में प्रेजेंट होता है जो कि डीप ब्लू कलर देता है जब आयोडीन टेस्ट उस पर आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डाला जाता है. तो ब्लू ब्लैक कलर जो आता है या डीप ब्लू कलर जो आता है वो आपका अमाइलोज की वजह से आता है जो कि स्टार्च में प्रेजेंट है. क्लियर है. अमाइलोपेक्टिन का कलर वो ओवर पावर कर देता है. होमोपॉलीसेक्राइड में नेक्स्ट हम पढ़ने वाले ग्लाइकोजन. ठीक है. ग्लाइकोजन किससे बना हुआ है ये भी बना हुआ है आपके किससे. ग्लाइकोजन इज फॉर्म बाय ग्लूकोज से ही बना हुआ है. पहले ये देख लेते हैं ग्लाइकोजन है क्या. जैसे स्टार्च हमारा
एनिमल का, अरे सॉरी प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल रखता था, वैसे ही ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च का काम करता है. यानी हमारा जो फूड रिजर्व होता है उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड रिस्टोर होता है. ठीक है, ये भी आपके लिवर में पाया जाता है और मसल्स में पाया जाता है. ठीक है, तो लिवर वाला जो ग्लाइकोजन है ये हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है. ठीक है, यही है जो हमारी एनर्जी बताता है. हमारे पूरे बॉडी का ग्लूकोज लेवल कहाँ से मेंटेन होता है? लिवर से होता है. फिर मसल में क्यों जरूरत है? व्हाई डू वी नीड दिस ग्लाइकोजन इन मसल्स? रेस्पिरेशन चैप्टर याद है? थोड़ा सा उसमें याद है हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. याद है कुछ थोड़ा बहुत याद है? हवा में ऐसे याद आ रहा हो जा रहा हो. मसल जब एक्स्ट्रा वर्कआउट करता है तब उसको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी. उस समय ये ग्लूकोज यूज करता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, इसलिए ग्लाइकोजन मसल में भी आपके स्टोर रहता है. ठीक है, क्लियर है? यस. लिवर में आपका क्या कर रहा है? पूरा बॉडी का ग्लूकोज लेवल आपके मेंटेन करता है. और ग्लाइकोजन अगर आयोडीन से रिएक्ट करें तो ये रेड कलर देता है. स्टार्च ब्लू देता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है. क्लियर है? डेंजर. ग्लाइकोजन से याद कर लेना, डेंजर कलर. ठीक है, चलो. ग्लाइकोजन पॉलीमर किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है. इसमें भी दो तरह के चेन है आपके, एक 1-4 बॉन्ड से लॉन्ग चेन है और 1-6 बॉन्ड से ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है. तो स्ट्रक्चर में ये बहुत ज्यादा सिमिलर है स्टार्च के, बस थोड़े से कॉम्पोनेंट इसके अलग है एज कम्पेयर टू स्टार्च. और इसका आयोडीन से रिएक्शन भी डिफरेंट है, क्योंकि ग्लाइकोजन के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन नहीं है. भले इनका अरेंजमेंट सिमिलर है बट कॉम्पोनेंट्स अलग है. ठीक है, ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ, ग्लाइकोजन इज होमोपॉलीमर मेड अप ऑफ, जल्दी बताओ फटाक से. यस, ए आ रहा है, ए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है. ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है. किससे बनता है? ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है. और कौन सी ग्लूकोज यूनिट? अल्फा डी ग्लूकोज, याद रखना है हमें. ठीक, काइटिन लास्ट होमोपॉलीसेक्राइड जिसको हम पढ़ेंगे. काइटिन के नाम से कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत. देखो जब तक आप रिवीजन अपने दिमाग पे बल नहीं डालोगे, जोर नहीं डालोगे, हो सकता है आपको चीज़ें पता हो, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको लगेगा मैम आप ही बता दो. थोड़ा सा कोशिश करो. काइटिन कहाँ पढ़े हो? प्लांट किंगडम याद कर लो, या तो फिर क्या बताएं, मतलब सेल चैप्टर भी थोड़ा याद कर सकते हो. याद करो, कहीं ना कहीं तो याद आ जाएगा. जल्दी बताओ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, फंगी में. यस, फंगी के सेल वॉल में देखा जाता है. ठीक है, और कहां? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड. वेरी गुड, खुश कर देते हो यार तुम लोग. मन कह रहा रहता है बता देंगे बच्चे, फिर डर भी रहा रहता है, लेकिन जब बता देते हो ना तो ऐसा लगता है वाओ मजा आ गया ये तो. ठीक है, तो दो जगह फंगी और एक्सोस्केलेटन ऑफ, फंगी के सेल वॉल में देखते हैं. किसमें देखते हैं? सेल वॉल में. ठीक है, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में. चलो, काइटिन किससे बना हुआ है आपका? एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, जो कि आपके ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है. ठीक है, इसमें एमिनो एसाइल ग्रुप आपके ऐड हो जाता है जिससे वो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन बन जाएगा. ये क्वेश्चन आया हुआ है कि काइटिन किस चीज का पॉलीमर है. ठीक है, भले वो बीटा डी ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है बट जब पॉलीमर की बात आए तो यही नाम लिखना है, एनएसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, जो कि बीटा 1-4 लिंकेज से जुड़े हुए हैं. इतना ही याद रखना आपको काइटिन में, काइटिन किस चीज का पॉलीमर है और कहां मिलता है. बस, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, सेल वॉल ऑफ फंगी, और सेल्युलोज के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ है फंगल सेल्युलोज, जिसको कहा जाता है काइटिन. पहला क्या था बच्चों? सेल्युलोज पहला था, मोस्ट अबंडेंट था, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट था, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? काइटिन है, सेकेंड है ये. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, क्लियर. क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन भाई,
चलो फटाफट से क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करेंगे और बस ये वाला टॉपिक खत्म। हेट्रोपॉलीसेक्राइड के नाम याद रखने, एक दो चीजें याद रखनी है, एक पन्ने का है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मेन आपके होमोपॉलीसेक्राइड और ये आपके ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड तो नहीं कहेंगे, मोनोसेक्राइड और होमोपॉलीसेक्राइड से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है चलो सही वाला आंसर देना पूरा ऑप्शन पढ़ के। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, सिर्फ ग्लूकोसामाइन देखे मत टिक लगा के चले आना, ये वाला आंसर सही है। ठीक है चलिए हेटरोपॉलीसेक्राइड यानी यहाँ पे भी मोनोसेक्राइड्स हैं बट एक से ज्यादा तरह के होंगे, एक से ज्यादा तरह के। तो पहला देखेंगे हाइलुरोनिक एसिड, आजकल ऐड आता है ना, किसको याद है कौन है, कोई एक्ट्रेस करती है हाइलुर ऐसा बोलती है, कुछ तो बोलती है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है अदिति आई थिंक शी डस, कोई तो करता है। तो ये आपके बॉडी में ही प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके आई बॉल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर उसके अंदर होता है। ठीक है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है, जॉइंट्स में होता है, आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है ताकि वो उनको लुब्रिकेट कर पाए, उनको लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करके उसमें लुब्रिकेशन करता है हाइलुरोनिक एसिड। यही पूछा जाएगा क्या काम कर रहा है हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट है कॉन्ड्रेटिन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट के नाम से कनेक्टिव टिश्यू में हम जानते हैं ये प्रेजेंट होता है आपके। ठीक है ताकि वो किसी भी तरह के डैमेज से बचा सके कनेक्टिव टिश्यू को, इजीली उनको ब्रेक नहीं होने देता, ठीक है उनको संभाल के रखता है कॉन्ड्रेटिन आपका। नेक्स्ट है हेपरिन, हेपरिन तो हमारे बॉडी में होता है दैट इज एंटी कोएगुलेंट, अगर ये हेपरिन हमारे ब्लड में नहीं हो तो ब्लड जम जाएगा, तो हेपरिन की जरूरत होती है ताकि ब्लड जमे नहीं। जब हम लोग डायलिसिस करते हैं ठीक है किडनी से डायलिसिस जब होता है तो हेपरिन जैसा ही कोई आपके एंटीकोएगुलेंट यूज किया जाता है ताकि बाहर निकल के ब्लड आपका जमे नहीं। तो वॉरफेरिन बहुत तरह के होते हैं, उनका यूज करके इनको एंटीकोएगुलेंट के फॉर्म में ब्लड को जमने से बचाया जाता है। ठीक है क्योंकि ब्लड को बॉडी में फ्लो करना, अगर हेपरिन नहीं रहेगा तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, ब्लड पंप कैसे होगा, नहीं होगा। चलो पेक्टिन के बाद में देखते हैं पेक्टिन कहाँ होता है, अगर सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा पेक्टिन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है तो पेक्टिन आपके सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा मिडिल लेमेला में पेक्टिन प्रेजेंट होता है। मिडिल लेमेला क्या होता है बच्चों, सीमेंट, प्लांट सीमेंट होता है जो कि दो सेल के बीच की दीवार बनाता है, इन्हीं मिडिल लेमेला की मदद से ये दोनों ज्वाइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट विच इज अ हेटरोपॉलीसेक्राइड। क्लियर है तो यही आपका रहेगा हेटरोपॉलीसेक्राइड, इससे ज्यादा आपके हेटरोपॉलीसेक्राइड में नहीं पूछा जाता है। हेमीसेल्युलोज की बात करें तो मतलब देखो बहुत ज्यादा ये नहीं आएगा, हेमीसेल्युलोज बस इतना याद लो आइवरी पाम में पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही ज्यादा शाइनी व्हाइट होता है, इसलिए आर्टिफिशियल ओवरी की आइवरी की तरह भी यूज किया जाता है। बिलियर्ड्स बॉल, बिलियर्ड्स गेम देखा है वो टेबल पे देख खेलते हैं, बिलियर्ड्स की बॉल जो होती है इसी से बनी होती है, प्लांट से मिलता है, व्हाइट कलर का होता है, हेमी सेल्यूलोज। ठीक है ये भी आपके सेल्यूलोज के साथ प्रेजेंट होता है आपके सेल वॉल के अंदर। ठीक है इतना ही आएगा, इससे ज्यादा हेटरोपॉलीसेक्राइड से नहीं आने वाला। ठीक है क्या कॉम्पोनेंट है, किससे बना, कुछ ना आने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोपॉलीसेक्राइड, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। हेलो 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 एवरीवन, जो लोग नए भी आए वेरी वेरी वार्म वेलकम क्लास। अभी ये तो लास्ट सेशन, मतलब ये खत्म हो गया इसके बाद क्लास, इसके बाद हम कल फिर 11:30 मिलेंगे। तो जिन लोग का अब अगला कल हम का क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम लिपिड पढ़ेंगे आई गेस, या कल हम लिपिड पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो कल लिपिड्स पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी जाके पढ़ेंगे, और आज 3:00 सेशन है, क्या होने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के क्वेश्चंस कराएंगे आज खत्म, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एट 3 PM ऑन स्पेशल क्लास। तो डेली मैं 11:30 AM ऑन यूट्यूब एंड 3 PM ऑन स्पेशल आती हूँ, कहीं किसी किसी दिन मैं PYQs या अलग सेशन लगवा दी तो 6 PM वो लेती हूँ, वो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। ठीक है चलिए सो ए आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेटरो, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटरोपॉलीसेक्राइड, इज हाइलुरोनिक एसिड इज एन एग्जाम्पल। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड है, क्या है, होमोपॉलीसेक्राइड।
ठीक है चलो क्लियर है। आई एक और रह गया है, रुक जाओ। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जान लो। मोनोसेक्राइड जुड़ के बनाते हैं पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, बट ये जुड़ते कैसे हैं? इनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो एक शुगर मॉलिक्यूल को दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से अटैच करता है, या तो कीटोन ग्रुप के थ्रू या तो एल्डिहाइड ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप एक शुगर का आपके रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर शुगर से, जिससे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कहते हैं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे शुगर लोग अपनी दोस्ती किसके थ्रू करते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपको बहुत काम आने वाला है। फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड बाय डिहाइड्रेशन। जब भी एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आउट इनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन के थ्रू ही ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इजी, इजी, सुपर इजी क्वेश्चन। चलिए बताओ, मोस्ट कॉमन मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आए, सुक्रोज कैसे होगा भाई? कैसे सुक्रोज थोड़ी ना होगा। सामर्थ्य तुम तो सही लिखे थे, काहे डर गए हो? क्यों डर जाते हो बेटा? सही था आपका आंसर, बहुत सही। ग्लूकोज होता है भाई, ये सब जगह तो ग्लूकोज प्रेजेंट था, हर जगह ग्लूकोज ग्लूकोज, राइट? चल, सो दैट्स इट। अब बताओ मुझे, कार्बोहाइड्रेट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी इतना सा डाउट है? क्या है? क्या डाउट नहीं है ना? बोलो नहीं है। है तो पूछ लो यार। ठीक है, इट्स ओके, मैम मस्ती करती रहती हैं, गलती से टाइप हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ये यूनिट खत्म करने के बाद, ये यूनिट खत्म करने के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, चलेगा? ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके, डन, ओके, चलो। तो चकाचक क्लियर हो गया सबको, एकदम चकाचक वाला? नो मैम, क्यों, क्या हो गया? ओके, कोई बात नहीं, जो लोग लाइव मिस कर दिए कल कर लेना लाइव, अभी जो पढ़ा दिया उसको मिस मत करना, उसको एक बार देख जरूर लेना। ये काम बिल्कुल नहीं करना है कि एक लेक्चर छोड़ दिए, आगे का पढ़ते जा रहे, पीछे का गया, टाटा टाटा नहीं करना उसको, अब टाइम नहीं रह गया टाटा करने का। ठीक है, नो प्रोकेस्टिनेशन। चलो तो फटाफट से ये बता देते हैं आपको, प्लस का प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कंटेंट प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो भी एजुकेटर है, जो भी क्लास ले रहे हैं, हर तरह की क्लास आपको यहाँ अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी एजुकेटर है, सबकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए यहाँ पे है। और बहुत सारे बैचेस अभी लॉन्च हुए हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो इस समय अमेजिंग टाइम है टू ज्वाइन। और 2022 वाले आपके लिए तो बहुत ही सारे लाइव क्लासेस अरेंज किए गए, बहुत सारे बैचेस अरेंज किए गए। इसका बड़ा भाई आइकॉनिक, जहाँ पे आपको प्लस तो मिलता ही है, उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, दैट इज योर पर्सनल गाइड। ये पर्सनल गाइड खुद भी एक नीड टॉपर है, नीड मेंटोर रहा है, तो ही इज गोइंग टू गाइड यू वेरी थॉरली, आपको वन ऑन वन एक्सपर्टीज देगा कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई को आगे ले जाना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टेस्ट एनालिसिस के बाद अपने आप को सुधारना है। ठीक है, और एक्सपर्ट गाइडलाइन वर्कशॉप के थ्रू आपको हेल्प करने वाला है। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, चलो, तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको एक चीज याद रखना है, कोड आपको लगाना है साक्षी100, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है, एंड 100% आपको सिलेक्शन तो मिलने वाला है, क्योंकि कोड ही है साक्षी100, इसीलिए मैंने बनाया है, राइट? हम दोनों मिलकर सिलेक्शन लाएंगे। ठीक, तो 22 वाले 3 months, 23 वाले 12 months, और 24 वाले 2 years का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस आइकॉनिक में आप कंफ्यूज है तो आई विल रिकमेंड कि अगर पॉसिबल है तो गो फॉर आइकॉनिक, क्योंकि वहां जो एडऑन्स मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। ठीक है,
तो कोई भी अनलॉकिंग करनी है, कहीं पे भी कोड मांग रहा है, साक्षी 100 लगाना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल स्टार बैच आ गया है, आने वाला नहीं है, अब आ गया है। 13 अप्रैल से इसकी क्लासेस शुरू हो गई, यानी कल से, अभी भी लेट नहीं हुआ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे स्टार एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले, देख रहे हो, एक भी लोग का नाम कम ले तो क्या फायदा, सारे ही स्टार एजुकेटर भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आपको इतना अच्छा मौका मिला है इन सारे अमेजिंग एजुकेटर से पढ़ने का। आपको कोई भी क्वेरी इस नंबर पे कॉल करिए, अपना कोड बता दीजिए साक्षी 100, वो लोग आपके कैसे सब्सक्रिप्शन लेना उसमें हेल्प कर देंगे। लोन पे लेना है, EMI पे लेना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी लेना है। ठीक है, इसके अलावा उम्मीद फिर से आनंद मनी सर का आ रहा है 2022 वालों के लिए, अगेन ये भी कल से स्टार्ट हो गया है। आनंद मनी सर की पूरी टीम आपको पढ़ाने वाली है उनके साथ मिलके, उम्मीद सीरीज की तो वैसे ही काबिल तारीफ रहती है। एंड अगेन आप ये सब्सक्रिप्शन जल्दी से बुक कर सकते हैं, एंड आपको कोड यही यूज करना है। ठीक है, चलिए, मेगा कॉम्बैट आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तीन चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक तो आपका टेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगा, 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे 45 मिनट्स के अंदर, जिसको आपको सॉल्व करना होगा। इस संडे होगा 11 बजे सुबह, और इसमें आप फ्री एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपसे कोड पूछेगा, फ्री एनरोलमेंट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, साक्षी 100 से एनरोल कर लीजिए, कॉम्बैट दीजिए, अपना टेस्ट करिए, प्रिपरेशन कितना हुआ है। दूसरा, आपको रैंक भी मिलेगा, जिससे आप पता चलेगा वेयर आर यू लाइंग इन बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स। और तीसरा चीज, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है 100% तक की। तो फर्स्ट थ्री आपके टॉपर को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, 4 to 10 को 75%, उसके आगे 50, देन 25, देन 15। तो दिस इज अमेजिंग अमेजिंग टाइम टू गिव द कॉम्बैट और अपने लिए स्कॉलरशिप बुक करने का। PYQ को मास्टर करने का और भी तरीका है, और आप अपने से लगा रहे तो कोई नहीं, आपको यहाँ पे अनअकैडमी ने टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर बना दिया, जिसको आप दे अपने प्रिपरेशन लेवल टेस्ट करें, और साथ साथ आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी, तो उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वंस यू आर इन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपके लिए द्वार भी हमेशा के लिए ओपन है। आपको कोई भी डाउट आ रही है, कितने बजे भी आ रहा है, आप बस आज के डाउट में पोस्ट करिए, क्लिक करके आपका आंसर विदिन 1 आवर दे दिया जाएगा, और आप एक बार में 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, प्लस या आइकॉनिक पे, जो स्पेशल पे केवल है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगती है और आपको उसका आंसर चाहिए, आप ये यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। अगर ये पहले से आंसर्ड होगा तो उसका आंसर आपको जरूर दिख जाएगा, इतना ही आपके लिए स्पेशली किया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि पता रहे मैम कब लाइव आ रही है। लाइक और शेयर जल्दी से कर दो, लाइक और शेयर तो आपका बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका बिल्कुल करना ही चाहिए। अपनी अटेंडेंस मार्क करो और सब बच्चों से शेयर करो, और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम, आपको कोई मेरे से कनेक्ट करना है, मेरे से बात करनी है, कुछ कहना है आपको, या कुछ पूछना है, तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों जगह पे मैसेज कर सकते हो। मुझे ढूंढना है आपको, यही आपका बस बात है, सिंपल से मेरा नाम टाइप करो, यू विल गेट मी। ओके, चलो, ओके गाइस, मिलते हैं कल हम 11:30 बजे ऑन YouTube, और आज 3 बजे आई विल बी वेटिंग सारे बच्चों का। फटाफट से जाओ, मेरा स्पेशल क्लास का आपके प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे पिंड है, इसके थ्रू जाइए, मुझे फॉलो कर लो वहाँ पे, ताकि सारे सेशन आपको पता रखते रहे, और जो 3 बजे का सेशन है उसमें आप जाके अपने आप को एनरोल कर लीजिए, ताकि 3 बजे का सेशन आपका नहीं छूटे। ठीक है, तो 3 बजे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अमेजिंग क्वेश्चन आज करके खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं 3 बजे, तिल दिन के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और फटाफट से जाके लंच कर लो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।